जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म बाई अंकित में। स्वाद के इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे NCL हेम ऑपरेटर कट ऑफ क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, यदि आपके 40 प्लस नंबर बनते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको हम दिखाए हैं पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताए हैं। देख सकते हैं आप, जनरल में 100 टोटल 147 पोस्ट है, इनकी कट ऑफ 57 से 60 के बीच जा सकती है। आप दो नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, आई मीन 55 से 60 आपको चाहिए। यहाँ पे हम 50 इसलिए लिखे हैं क्योंकि नोटिस में साफ तौर पे दे दिया था जनरल और EWS में 50% से नंबर ऊपर आना चाहिए पासिंग मार्क, और इस तीन ट्रेड में 40 प्लस चाहिए। OBC में 48 पोस्ट है, इनको 50 से 55 इनको चाहिए। SC में है 48 से 50 हमने बताया है, इनको 45 से 50 नंबर चाहिए। टोटल पोस्ट 48 है। ST में टोटल पोस्ट 69 है, इनकी बात करें तो इनको कट ऑफ टोटल 45 से 50, आई मीन इनके भी 43 से 50 के बीच में होने चाहिए। यदि आपके इतने नंबर बनते हैं तो आप अपने आप को एकदम सेफ समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ आए तो आप इससे मिला सकते हैं। आपके जितने नंबर बन रहे हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, यदि आपको कट ऑफ कैसा लगा हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।